सो आज है हमारा 23rd बर्थडे। कुछ मोमेंट्स में यकीन नहीं हो रहा कि 23 इयर्स हो गए हैं। लाइक वो जो भी टीनेज के डेज थे उन्हें भी ख़त्म होके अब 4 साल हो गया। पर गुड न्यूज़ पता है, आज दो बहुत ही स्पेशल इवेंट्स हैं जिनके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इवेंट नंबर 1 है मेरी जापानीज़ की एग्जाम और इवेंट नंबर 2 आज लेग डे है। मुझे कभी अपने खुद का बर्थडे वाला दिन इतना ज़्यादा पसंद नहीं था। इवन स्कूल डेज में मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लोज वंस और मेरी फैमिली ये मेरे बर्थडे के लिए मुझसे ज्यादा एक्साइटेड रहते थे। एंड आई फील लाइक इट्स एग्जैक्टली द सेम टुडे। इट इज जस्ट अनदर डे। पर आज का हाईलाइट / इवेंट नंबर 1 JLPT की N1 एग्जाम। वैसे अगर देखा तो मैं अपना 23rd बर्थडे ऐसे याद रखूंगा और मैं सुपर ग्रेटफुल हूँ कि बर्थडे के दिन पे हम जापानीज की सबसे मुश्किल एग्जाम देने वाले हैं। काफी क्रेजी लग रहा है ये हॉल टिकट पकड़ के, क्योंकि 3.5 सालों की मेहनत has led up to this one day. तो ये जो एग्जाम है ये मेरे बर्थडे के दिन पे आना ये इतनी स्पेशल बात इसीलिए है क्योंकि जापानीज के जो ऑफिशियल एग्जाम्स होते हैं वो साल में सिर्फ 2 बार होते हैं, एक बार जुलाई में और एक बार दिसंबर में। और इन एग्जाम्स का एक जनरल रूल है कि एग्जाम जुलाई और दिसंबर के फर्स्ट संडे पे आएगी। और इस साल बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि दिसंबर का पहला संडे मेरा बर्थडे है। जापानीज एग्जाम्स में 5 लेवल्स होते हैं, N5 से लेके N1 तक, N1 being the most difficult। और exam timings N5 और N1 इन दोनों की exam साथ में होती है in the morning between 9 to 12। तो ये एक 3 घंटे का paper होगा जो morning वाले session में conduct किया जाएगा। और बचे हुए जो 3 levels होते हैं N2, N3 और N4 ये afternoon batch में conduct की जाती है from 2 to 5। So मैंने इस साल के जुलाई में और पिछले साल के जुलाई में N2 और N3 दिया था रिस्पेक्टिवली। वो दोनों एग्जाम्स मुझे आफ्टरनून बैच में देने पड़े। उस आफ्टरनून सेशन का ये एडवांटेज था कि एग्जाम को जाने के पहले मैं अपना ट्रेनिंग सेशन लगा के जाता था। इस बार का ट्रेनिंग सेशन हम दोपहर में लगाएंगे एग्जाम खत्म होने के बाद। यहाँ पर मुझे अपना हॉल टिकट मिलाया और हॉल टिकट के पीछे रिपोर्टिंग टाइम 8:15 AM है, इसीलिए ये क्लिप रिकॉर्ड करने के बाद मैं खुद के लिए एक टिफिन पैक करूंगा और हम एग्जाम सेंटर के लिए निकलेंगे। एग्जाम सेंटर पुणे में इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेम ही रहा है, सिंहगढ़ टेक्निकल कॉलेज, जो यहाँ से काफी दूर है। 50-55 मिनट्स मुझे ड्राइव करके एग्जाम सेंटर तक पहुँचने में लगेंगे। सो ये हॉल टिकट, ID प्रूफ के लिए आधार कार्ड, एक पेंसिल और एक इरेजर, सिर्फ ये 4 चीजें एग्जाम हॉल के अंदर अलाउड रहती है। आई कांट बिलीव इट। पता है जब से मैंने जापानीज की पढ़ाई स्टार्ट की थी ये मेरा सपना था कि मैं एक दिन N1 दूंगा। और ये मोमेंट इतना ज्यादा स्पेशल इसीलिए है क्योंकि एग्जैक्टली 20 साल पहले मेरे पापा ने भी N1 की एग्जाम दी थी। एंड इट्स स्पेशल बिकॉज जब मैंने जापानीज लर्न करना स्टार्ट किया था माई डैड वॉज माई टीचर, वो मेरे सेंसे थे। उन्होंने मुझे ABCD यानी हिरागाना काताकाना सिखाया, जो बेसिक टेक्स्ट बुक्स है उनका जो भी कंटेंट है वो सिखाया। एंड ही सैट विथ मी एवरी सिंगल डे बिटवीन 3:30 to 4:30 इन द आफ्टरनून। सो इफ नॉट फॉर मी, मुझे ये एग्जाम उनके लिए देनी है एंड आई वॉन्ट टू मेक हिम प्राउड। सो डेफिनेटली इस एग्जाम के पीछे एक बहुत ही बड़ा इमोशनल और सेंटिमेंटल रीजन भी है जो आई डोंट थिंक मैंने कभी कैमरा के ऊपर शेयर किया, बट व्हाट बेटर डे टू शेयर दिस देन टुडे। और मैं कहूंगा कि ये मेरी N1 की पहली अटेम्प्ट होगी। और मैं अटेम्प्ट इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि N1 एक इतनी मुश्किल एग्जाम है कि उसका पासिंग रेट आई थिंक सिर्फ 50% या 40% है। दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 पीपल हु गिव द एग्जाम ओनली 5 क्लियर इट। और ये भी देखने के लिए काफी कूल होगा कि एग्जाम सेंटर में उस क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जैसे जैसे डिफिकल्टी बढ़ती जाती है वैसे वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर फॉर द एग्जाम आल्सो रिड्यूसेस। ये मैंने फर्स्ट हैंड नोटिस किया है क्योंकि N3 की जो एग्जाम थी उसमें 6 या 7 अलग अलग क्लासरूम्स थे और क्लासरूम्स काफी भरे हुए थे। जब मैंने इस जुलाई में N2 दिया तब क्लासरूम सिर्फ 2 ही थे और हर क्लासरूम के अंदर सिर्फ 12 स्टूडेंट्स थे। सो N1 I don't really know. देखता है कैसा जाएगा। You know when they say it's lonely at the top? I guess they were right. It's time. Scrambled eggs खा लिया है। इसके अंदर मैंने आइस कॉफी बनाई है जो मैंने कल रात को ही बनाई थी because सुबह सुबह मुझे कोई रश नहीं चाहिए था। So आराम से ये बनाई। We're all set. I can't believe it. So luckily सुबह होने की वजह से ये सिर्फ 33 मिनट सिखा रहा है। आई एम गेसिंग बिकॉज हम सही टाइम पे निकले हैं। कल रात को जब मैंने पीक ऑफिस टाइम पे चेक किया था तब इट वॉज शोइंग 55 मिनट्स। तो मस्त आराम से सनराइज एंजॉय करके जाएंगे। इनका पूरा कैंपस बहुत ही सुंदर है। हमारी बिल्डिंग है इस तरफ, डी बिल्डिंग में ढूंढ रहा हूँ।
आई एम सो हैप्पी कि रैथ हैक्स फाइनली मेरे स्टॉक में वापस आ गया है। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हैप्पी बर्थडे टू मी। तो दो चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है। सबसे पहले आज का गेम प्लान, अगर आज का ट्रेनिंग सेशन देखा तो हम क्वाड्स और एडक्टर्स को ट्रेन करने वाले हैं। टोटल वॉल्यूम दैट आई एम गोइंग टू शूट फॉर इज 12 सेट्स फॉर क्वाड्स फॉर दिस सेशन, और फिर बाद में हम एडक्टर्स के 3 या 4 सेट्स लगाएंगे। सो क्वाड्स के जो भी 12 सेट्स है वो मैं 3 मूवमेंट्स के थ्रू डिवाइड करूंगा और सारे मूवमेंट्स के 4-4 सेट्स लगाऊंगा। वी विल स्टार्ट विद द लेग प्रेस, फिर हम जाके लेग एक्सटेंशन लगाएंगे, और फिर मोस्टली मैं बारबेल स्क्वाट लगाऊंगा बट नॉट द ट्रेडिशनल वन। यहाँ पर इन्होंने एक नया पीस ऑफ इक्विपमेंट लाया है जो मैंने पिछले वाले लेग डे पे टेस्ट आउट किया था, उसके बारे में हम लेग एक्सटेंशन के बाद बात करेंगे, पर ये होगा बेसिक टेम्पलेट। और दूसरी चीज, इवॉल्व में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। ये जो इवॉल्व के आइकॉनिक विंडोज है जहाँ से बहुत सारा व्हाइट लाइट आता था, उसके ऊपर उन्होंने ब्लाइंड्स लगाया है। एट फर्स्ट मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था, पर फिर अवधूत ने थोड़े से सैंपल शॉट्स लिए और मुझे फुटेज दिखाया। ये जो ब्लाइंड्स है ये बेसिकली एक डिफ्यूजर की तरह काम करते हैं, और जो भी नेचुरल सनलाइट यहाँ से आ रहा है वो मस्त डिफ्यूज होके कैमरा की जो लेंस है उस पे हिट कर रहा है। सो आई एम क्यूरियस टू सी कि आज का ट्रेनिंग फुटेज कैसे निकलता है। लेग प्रेस वार्म अप की अगर बात की तो थोड़ा सा डायनामिक वार्म अप होने के बाद मैंने 1 प्लेट और 3 प्लेट के साथ 2 वार्म अप सेट्स लगाए, और अब हम पहले सेट के लिए 4 प्लेट्स करने वाले हैं। और मोस्टली इसके बाद वाला जो सेट होगा उसमें मैं एक 10 kg की प्लेट भी ऐड करूंगा, जस्ट बिकॉज इस सेट से मेरी नीज अच्छे से वार्म अप हो जाएंगे एंड दैट विल प्रिपेयर मी फॉर दैट हैवियर सेट। गुड रेप्स ओनली। Not done yet. One minute 10 seconds. बहुत ही सॉलिड ओपनर था। इसकी वजह से मेरे क्वाड्स में अभी इतना ब्लड फ्लो आ गया है कि मैं कॉन्फिडेंटली एक 10 ऐड करके अपने नीज को बिना सैक्रिफाइस किए ये मूवमेंट लगा पाऊंगा। बस सेकंड सेट के लिए मुझे अपना कंट्रोल थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है। आई फील लाइक इस सेट का जो इसेंट्रिक था वो सिर्फ 2 या 3 सेकंड था। आई वॉन्ट टू स्लो इट डाउन इवन मोर, पॉज एट द बॉटम जहां पर मेरा क्वाड अच्छे से स्ट्रेच होगा एंड देन एक्सप्लोर बैकअप। गर्ल आई विल वॉश देम एंड गिव देम बैक। Thanks, bro. That was amazing. Oh, what an effort. Easy. Yeah.
Not done yet. प्योर बॉडी बिल्डिंग 3 sets in, 9 more to go. सब यहाँ पर है. लेट्स गेट इट. नो मजाक. Not done yet. Oh fuck. Last set. सो मैं एक्चुअली जिम पहुंच गया था और मैंने रियलाइज़ किया कि मैं शॉर्ट्स लाना भूल गया. सो मैंने जल्दी से आयुष को फ़ोन किया, शॉर्ट्स लाने हैं. सो वी विल डू विद दिस. थैंक यू फॉर गेटिंग शॉर्ट्स. फनी लग रहा है ना? हु केयर्स. अ पार्ट ऑफ मी कांट बिलीव कि मैं अभी 23 हो गया हूँ. मुझे वो दिन कल रात को बहुत याद आया जब मैं 18-19 था. तब जिम में एज के साथ PRs का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था. लाइक ऐसे गोल्स हुआ करते थे कि मैं 18 होने के पहले मुझे 2 plates बेंच करना है, 19 के पहले मुझे 5.5 plates डेडलिफ्ट करना है. वो जो टीनेज डेज थे उनका ज़माना बहुत ही अलग था. मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि वो जो भी टीनेज डेज है दे वर एक्चुअली 4 years ago. इट्स क्रेजी हाउ फास्ट टाइम फ्लाइज. मे बी मैं एक अंकल की तरह साउंड करूंगा व्हेन आई से दिस, पर सचमुच हर एक मोमेंट को चेरिश करो. आई नो कि मैं सिर्फ 23 हूँ, आई एम स्टिल यंग, बट इट जस्ट मेड मी रियलाइज कि टाइम कितने जल्दी जाता है. सो गोइंग फॉरवर्ड एटलीस्ट इस एक साल के लिए आई थिंक ये मेरा गोल होगा, टू बी वे मोर प्रेजेंट इन माई लाइफ एंड इन ईच ट्रेनिंग सेशन. स्पीकिंग ऑफ द लेग प्रेस, आजकल मैंने लेग प्रेस पे अपनी जो फुट पोजिशन है वो थोड़ी सी चेंज किया है. पहले मैं फुल क्वाड एम्फोसाइज करने के लिए लेग प्रेस में पैरों को थोड़ा सा नीचे प्लेस करता था, पर मैं एज सच अपने ग्लूट्स को आइसोलेट नहीं कर रहा. इसीलिए आई फाउंड दैट अगर मैं अपने पैर प्लेटफॉर्म के बीचों बीच प्लेस करो तो वो दोनों मेरे क्वाड पे और मेरे ग्लूट्स पे आता है. सो इट्स लाइक किलिंग 2 birds with 1 stone. 4 sets down. अब हम जाके लेग एक्सटेंशन करेंगे. लेग एक्सटेंशन हैज़ बिन फीलिंग सुपर गुड लेटली. मैं कोई वेट पे नहीं जा रहा, कोई PRs पे नहीं जा रहा. मैं प्योरली टाइम अंडर टेंशन पे फोकस्ड लेग एक्सटेंशन लगा रहा हूँ. ज़्यादा वेट की भी ज़रूरत नहीं है, स्पेशली ये 4 set लेग प्रेस होने के बाद. Not done yet. Marshall. Not done yet. That's 40. Partials. 1, 2, 3. अगर आपको ट्रू पेन एक्सपीरियंस करना है कभी लेग एक्सटेंशन पे, ये टाइम अंडर टेंशन वाली टेक्निक
फॉलो करके देखो, बिकॉज अगर लेग प्रेस की बात आई ना, जो एक्चुअल लास्ट फेलियर वाली रैप होती है उसमें मैं बाकी के मसल ग्रुप्स का असिस्टेंस लेके वो रैप कंप्लीट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरी लास्ट रैप है और मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, माय क्वाड्स आर शिवरिंग, तो मैं अपने ग्लूट और थोड़ा सा हैंडल्स को पकड़ के वेट को पुश करके रैप को कंप्लीट कर सकता हूँ। पर लेग एक्सटेंशन से मेरा क्वाड इतना आइसोलेटेड पोजिशन में होता है कि इवन अगर मेरा क्वाड ऐसे थर थर कांप रहा है तो भी मुझे कंपोजर मेंटेन रख के वो रैप सिर्फ अपने क्वाड से कंप्लीट करने का चांस मिलता है। और स्पेशली लेग एक्सटेंशन पे आजकल तो मैं 50, 60 या 70 सेकंड्स इतने लंबे सेट्स लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वेट की अगर बात की तो मैं 40, 47 या 54 इन तीनों में प्ले अराउंड करता हूँ। जस्ट टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव, पूरी स्टैक का 1/3 वेट लेके मैं अपने क्वाड्स को ट्रेन कर रहा हूँ। इससे मैंने नोटिस किया है कि मेरा नी पेन पूरी तरीके से चला गया है। प्रोबेबली इसका ये मतलब हो सकता है कि ऑल दिस वाइल मैं ऐसा लोड हैंडल कर रहा था जो एक्चुअली मेरा मसल और मेरे जॉइंट्स हैंडल नहीं कर सकते, विच मीन्स ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था और मैं पास्ट में बहुत ईगो लिफ्टिंग करता था। यस, आई एम कॉलिंग माई सेल्फ आउट बिकॉज आई फील लाइक ट्रू प्रोग्रेस के लिए आपको खुद का सबसे बड़ा क्रिटिक होना चाहिए। मैं अभी अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। 2 महीने पहले मेरा बॉडी वेट 72 kg था। मैंने इंस्टाग्राम पे एक अपडेट पोस्ट की थी जिसमें आई सेड दिस इज द लीनेस्ट आई हैव एवर बीन एट 72। आज सुबह मैंने अपना बॉडी वेट चेक किया, आई एम एट 73, जो एक ऑल टाइम हाई नहीं है, पर इस बॉडी कॉम्पोजिशन, इस बॉडी फैट परसेंटेज के लिए दैट इज द हैवीएस्ट आई हैव बीन। सो पिछले 2 महीने में मैंने एग्जैक्टली 1 kg पुट ऑन किया है। आई फील लाइक अगर वेट गेन की जो रेट है उसकी बात की, दिस इज राइट देयर, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि इस बॉडी बिल्डिंग टाइप की ट्रेनिंग की वजह से मोस्ट ऑफ दोज कैलोरीज एंड मोस्ट ऑफ दैट बॉडी वेट हैज गॉन इनटू न्यू मसल टिश्यू। मैं बहुत ही ज्यादा फायर्ड अप हूँ। आई नो कि ये साल खत्म होने के लिए 1 महीना बचा है, बट ए वी आर गोना मेक द मोस्ट आउट ऑफ दैट 1 month, और 2024 मेरा बॉडी बिल्डिंग आंख होगा। वॉच आउट, आई एम कमिंग। एंड स्पेशली लोअर बॉडी की बात की, आई फील लाइक इट हैज सम कैचिंग अप टू डू। तो गोइंग फॉरवर्ड मेरा जो मेन फोकस होगा वो अपने लोअर बॉडी में मसल टिश्यू पुट ऑन करना होगा। सो क्वाड्स के लास्ट 4 sets करने के लिए हम बारबेल स्क्वाट का एक छोटा सा वेरिएशन लगाने वाले हैं। इवॉल्व में उन्होंने ये वेजेस न्यूली लाए हैं, इसकी वजह से मुझे स्क्वाट शूज इस्तेमाल ना करके एक हील एलिवेशन मिलता है। इससे 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले स्क्वाट करते वक्त मुझे ज़्यादा लोड इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, एंड नो इट्स नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि एक बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ज़्यादा स्टिम्युलस कम वेट के थ्रू ला सकते हो देन इट्स अ बिग विन। एंड नंबर 2, इससे जो भी एम्फेसिस है वो मेरे क्वाड्स पे आता है, बिकॉज वॉच दिस, जब मैं नीचे स्क्वाट कर रहा हूँ तो मेरे नीज टोज से बाहर जा रहा है, गिविंग मी द मोस्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेच एट द बॉटम। और एक और एडेड बेनिफिट है कि अगर आपकी एंकल मोबिलिटी बहुत ही घटिया है तो इससे यू विल बी एबल टू हिट गुड डेप्थ विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन योर जॉइंट्स। Good reps only. सो मे बी अब आप पूछोगे कि बारबेल स्क्वाट मैंने स्टार्टिंग में क्यों नहीं लगाया। उसका एक मेन रीजन है, अगर मैं स्क्वाट स्टार्टिंग में लगाता जब मेरे क्वाड्स फ्रेश होते तो मुझे सेम स्टिम्युलस अचीव करने के लिए 3 plates या मे बी उससे इवन ज़्यादा लोड इस्तेमाल करना पड़ता। आफ्टर स्क्वाटिंग 8 sets into quad, मुझे पहले सेट के लिए सिर्फ 80 kg
और दूसरे सेट के लिए सिर्फ 60 kgs इस्तेमाल करना पड़ा। इससे मेरी लोअर बैक, मेरा नी जॉइंट इस डिसीजन से बहुत ही ज़्यादा खुश है और मुझे अपने कोर्ड्स में जो स्टिम्यूलस चाहिए था वो मुझे मिला 10 sets इन। अब बचे हुए जो 2 sets है कॉर्ड्स के, उसके लिए मैं मशीन वेरिएशन पे स्विच करूंगा, जस्ट बिकॉज वहां से मैंने इसे देखा और करने का मन किया। एट द एंड ऑफ द डे ये क्या है, इट इज जस्ट अनदर स्क्वाट पैटर्न। सो बचे हुए 2 sets हम इस पे करेंगे ऑल द वे टिल फेलियर। अच्छी चीज है कि यहाँ पर सेफ्टी मैकेनिज्म्स है तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। नॉट डन येट। मेरे माइंड को अभी क्विट करना है। इट्स लाइक मेरे अंदर अभी 2 साकेत है और एक साकेत बोल रहा है कि बस करके घर चला जा, खाना खा ले, रेस्ट कर ले। बट द वाइजर वर्जन ऑफ मी नोज कि सिर्फ 1 set बचा है, एडक्टर की मे बी 4 या 5 set बचा है, उसके बाद पूरा दिन खाना ही तो खाना है। आई फील लाइक आई कैन पुश थ्रू। और ये जो भी मोमेंट्स रहते हैं जहाँ पर क्विट करने का मन करता है, वो मैंने नोटिस किया बहुत टेम्पररी होते हैं। प्रोबेबली 4 या 5 मिनट रेस्ट करने के बाद जब मेरी ब्रेथ वापस आ जाएगी तब मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे और करने का मन कर रहा है। इन दैट मोमेंट इवन जब मैं भागता हूँ, जब मैं 10 किलोमीटर रन्स, 15 किलोमीटर रन्स के लिए बाहर निकलता हूँ, तो इस पूरे रन के ड्यूरेशन में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स होते हैं और वो जो भी लो पॉइंट्स होते हैं वो बहुत मोमेंटरी होते हैं। लाइक उनका जो नेचर है इट इज वेरी टेम्पररी। मुझे पता है कि उस मोमेंट में इफ आई जस्ट कीप गोइंग, इफ आई जस्ट टेक 1 more step तो फिर मैं वापस एंजॉय करने लगूंगा, नोइंग कि वो पॉइंट वापस आने वाला है। बट यू जस्ट हैव टू कीप दैट सस्टेन्ड एनर्जी, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। और ये जो भी लेसन है वो मैंने कहीं पर पढ़े नहीं है, आई हैव जस्ट पुट माई सेल्फ थ्रू दो सिचुएशंस ओवर एंड ओवर अगेन और उन एक्सपीरियंसेस के थ्रू मैं आपको ये सारी स्टोरीज बता रहा हूं। 1 more set और फिर जाके एडक्टर्स। Not done yet. Smile. We did it. 12 sets. No. नेक्स्ट इंस्टाग्राम एडिट सटी है वापरायचं। इस मशीन की अच्छी चीज़ है कि मशीन में ही एक स्टॉप वॉच इंक्लूडेड है, सो मुझे आज सच अपने सेट्स टाइम करने में आसानी मिलती है बिकॉज आई कैन जस्ट लुक। और सेट खत्म होने के बाद मशीन ये सेंस करता है कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ और इंस्टेंटली एक और स्टॉप वॉच चालू कर देता है, तो इससे मैं रेस्ट टाइम्स भी ट्रैक कर सकता हूँ। एक बहुत हाई फाई मशीन है पर अच्छा है, अच्छा लगता है, वरना हमेशा फ़ोन पे स्टॉप वॉच लगाओ, बार बार घड़ी की ओर देखो, दिस फील्स गुड। ऑल्सो द मेन रीजन कि मैं आजकल एडक्टर्स पे इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूँ इज बिकॉज आई फील लाइक मैंने एक दिन शीशे में फ्लेक्स किया, क्वाड्स अच्छे दिख रहे थे पर वो जो अंदर का हिस्सा है वो बहुत ही ऐसे चपटा दिख रहा था। एंड देन मैंने मिस्टर ओलंपिया, क्रिस बम्स्टेड इन सब के फोटोज देखे और मैंने रियलाइज किया कि उनका क्वाड जितना बड़ा है उतना ही बड़ा उनका एडक्टर है। सो इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक मैंने अपना आधा लेग ट्रेन नहीं किया, इसीलिए अगर बाहर से वो स्वीप है अंदर से भी होना चाहिए, दैट विल गिव माई क्वाड अ नाइस मीटी अपीयरेंस। ऑल्सो अगर हमारे साइड से एफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो इट डजेंट टेक मच टाइम इन्वेस्टमेंट, मे बी 10 मिनट एफर्ट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। मैं पिछले 5 मिनट से यहाँ पर बैठा हूँ, उस रूम में जो भी बॉलीवुड गाने चल रहे हैं वो सुन रहा हूँ और ये एक आइसोलेशन मूवमेंट है, साइकोलॉजिकली डिमांड नहीं है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कोई डिमांड नहीं है, बस यहाँ पर बैठो 15 to 25, 15 to 30 की रेप रेंज में इसे लगाओ, फेलियर तक जाओ, फील करो अपने मसल को। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम है पर रिवॉर्ड क्या है, लेग का जो अपियरेंस है वो सामने से बहुत नीटी दिखेगा। मैं आता मजा डोक्या एडिट के लिए कर लेना प्रीमियर प्रो, बस एक चीज का ध्यान रखो,
मेक श्योर यू डोंट क्रश योर बॉल्स वरना क्योंकि क्लोज है फॉर अ सेकेंड एडक्टर की जगह कुछ और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा फिर मीटी लेग्स के चक्कर में आपके बच्चे नहीं होंगे और फिर आपको फ्यूचर में अपने बीवी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कट सो रिलेटिवली अगर देखा मेरे एडक्टर्स बाकी के मसल ग्रुप से बहुत ही ज़्यादा वीक है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पर सिर्फ 3 स्टैक्स के बाद मैंने पिन को डाला है और उसका रीज़न है कि 6 सालों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अनट्रेंड है मैंने एडक्टर्स को ज़िंदगी में डायरेक्टली कभी ट्रेन नहीं किया है आई रिसेंटली स्टार्टेड 2 मंथ्स अगो तो वैसे अगर रूम फॉर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखा तो काउंटलेस इनफाइनाइट रूम फॉर इम्प्रूवमेंट लास्ट सेट बेस्ट सेट हैप्पी बर्थडे टू मी सो मेरी कॉफ़ी एक्चुअली ख़त्म हो गई है इसीलिए थर्ड वेव में एक पाउच आता है जिसे डार्क रोस्ट कुछ कहते हैं लकीली सेम बिल्डिंग में जहाँ पर जिम है वहाँ पर थर्ड वेव का एक आउटलेट है ये स्टेयर्स का बहुत हो रहा है इवन आते समय हम स्टेयर्स से नीचे आए सो इट वॉज लाइक टॉर्चर अब वापस एक फ्लोर पर कॉफ़ी लेंगे परत एक खाली सो कॉफ़ी के अलग अलग टाइप्स होते हैं पर मैंने पिछली बार एग्जैक्टली ये लिया था फ्रेंच रोस्ट अब ओरिजिनली ये जो पाउचेस है इनके अंदर कॉफ़ी बीन्स होते हैं जो मैं घर पे ग्राइंड करके एक कंटेनर में स्टोर करता हूँ पर इससे अच्छा मैंने इनको बताया कि मैं गैस पे बॉईल करके छन्नी का इस्तेमाल करके अपनी कॉफ़ी बनाता हूँ सो उन्होंने नंबर 11 मशीन पे ये बीन्स अच्छे से ग्राइंड किए यहाँ पर पीछे लिखा है छन्नी मेथड ये मैंने अभी अभी पढ़ा बट सुपर एक्साइटेड टू ट्राई दिस इन्होंने मुझे एक और साउथ इंडियन कॉफ़ी रिकमेंड की जो इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है सो नेक्स्ट टाइम जब ये ख़त्म होगा तब मैं वो ट्राई आउट करूँगा बट फॉर नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई वॉट इज फेमिलियर टू मी हमने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन है कोच सर को भेजा था वो टीम तक पहुँच गया है और आइदर कल या परसों मुझे कोच सर से एक ईमेल आएगी जहाँ पर मेरा पूरा प्रोग्राम होगा इंक्लूडिंग कैलोरीज मैक्रोज सो जैसे ही मुझे वो ईमेल दिखती है वैसे ही मैं अपना माइंडसेट स्विच करूंगा और पूरी तरीके से प्रेप मोड में चला जाऊंगा जो एथलीट वाली लाइफ है वो अगले कुछ महीने के लिए चलेगी इट विल टीच मी अ लॉट सैक्रिफाइसेस बहुत बनाने पड़ेंगे क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए जो विल पावर होगी वो तगड़ी करनी पड़ेगी और कैलोरीज कम होने के बावजूद हमें ट्रेनिंग इंटेंसिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी दैट आई फील लाइक विल बी द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट पर प्रेप स्टार्ट होने तक मैं हर दिन 400 से 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहा हूँ ताकि मेरे ग्लाइकोजन रिजर्व्स फुल रह सकेंगे जब प्रेप चलेगी तब धीरे धीरे कैलोरीज कम होंगे राइट एज अ रिजल्ट मेरे बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जो फुलनेस होगी वो धीरे धीरे डिप्लीट होते जाएगी एंड आई विल स्टार्ट अपियरिंग अ लिटिल फ्लैटर इसीलिए प्रेप स्टार्ट होने के पहले ये करने की वजह से मैं खुद को एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा हूँ टू हेल्प मी एंड्योर द सफरिंग लेटर ऑन और ये जो भी 400-450 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है उनको मैं थ्रू आउट द डे 5 अच्छे इवनली स्पेस्ड आउट मील्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ ये चीज देओन ने मुझे बताई उससे मिलने के पहले मैं हर दिन 3 या 4 मील्स के थ्रू अपने कैलोरीज को कंप्लीट करता था बट ही सजेस्टेड दैट आई स्प्रेड इट आउट अक्रॉस 5 और 6 मील्स और उससे मुझे हर मील के थ्रू जो भी न्यूट्रिशन मिल रहा है वो मेरी बॉडी अच्छे से अब्सॉर्ब और डाइजेस्ट कर पा रही है स्पेस्ड आउट मील्स खाने की वजह से मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे कम बर्डन आ रहा है सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो आई होप अगले वीडियो में प्रेप चालू हो गई होगी